नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर बेलसोनिका कंपनी जो कि मारुति ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उसके लिए उसके ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और इस पर कई सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से इनका प्रबंधन के साथ टकराव जारी है। खासकर सबसे बड़ा टकराव का जो माध्यम था वो जब एक इन्होंने ठेका मजदूर को यूनियन में शामिल किया और यूनियन बनाने को लेकर इनका काफ़ी लंबा संघर्ष रहा और वर्तमान में भी कई तरह यूनियन पदाधिकारी छटनी हुई है। उसके बाद से इनका संघर्ष लगातार जारी रहा है और यूनियन से आज इनकी वार्ता भी प्रबंधन की और यूनियन की वार्ता जारी है। तो अभी ये आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे जहां पे इन्होंने अपने यूनियन से जुड़े सवाल और जो कंपनी के अंदर मजदूरों के जो हालात हैं उसको लेकर बात रखी, साथ साथ आसपास पूरे औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह के वर्करों का वर्कर किस हाल में काम कर रहा है ये बात रखी। इन वर्कर यूनियन नेताओं से बात करके हमने समझने की कोशिश करी कि वर्तमान में वहाँ क्या हालात है और ये मजदूर आगे का रास्ता क्या देखते हैं। फैक्ट्री के अंदर मालिक जो पिछले दो सालों से छिपी छटनी के लिए प्रयास कर रहा है और छिपी छटनी में नए प्रयास में उसने जो महत्वपूर्ण जो चीज पैदा की है, जो क्रिएट की है, वो क्रिएट की है कि फर्जी दस्तावेजों के नाम पे मजदूरों की छिपी छटनी करना। और दूसरा कि हमारी यूनियन 2016 में समझौते के बाद लगातार ठेका मजदूर और परमानेंट मजदूरों की एकता की बातचीत करती है और उसी के आधार पे हम अपनी व्यवहारिक कार्रवाइयाँ करती हैं। इस ठेका परमानेंट की एकता न बन पाए इसको लेकर लगातार जो है कि फैक्ट्री के अंदर परमानेंट और ठेका की यूनिटी तोड़ने के लिए और हमारी यूनियन ठेका वर्कर के इशू को लेकर स्थाई काम पे स्थाई रोजगार उसको लेकर लगातार सामूहिक मांग पत्र से लेकर डीसी से ज्ञापन से लेकर तमाम कार्रवाइयां कर चुकी है लेकिन कोई जो है उसका समाधान नहीं हो रहा है। प्रबंधन को तो वही बात है कि एक मजदूर गए तो 10 लाइन में खड़े हैं लेकिन हमारे लिए तो वो नौकरी लाइन में कहीं नहीं लगी पड़ी है कि आप हमें निकाल दोगे और हमें आगे गेट से बाहर निकलते ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। वर्करों की संख्या को कम करने के लिए जो है लगातार इंक्वायरियां चलाई, आरोप पत्र दिए और उन इंक्वायरियों को पूरा करके वर्कर के विरुद्ध करके इंक्वायरियों को जो है निकालना चालू कर दिया। सबसे पहले 21 अक्टूबर को जो है एक वर्कर को निकाल लिया, फिर 23 दिसंबर को दो वर्करों को फिर निकाल लिया। उन दोनों छुट्टियों के दौरान उस टाइम के में जो है एक दिवाली की छुट्टी थी और दूसरी जो है 23 दिसंबर की वो नए साल की छुट्टियां थी हमारी। दोनों छुट्टियों को हमारी को जो है एक तरीके से मतलब बर्बाद कर दिया। हमने 1 मार्च को टूल डाउन करना पड़ गया क्योंकि कंपनी ने 25, 26, 27 फरवरी को बड़े पैमाने पर ठेका वर्करों को भर्ती कर लिया। 200-250 ठेका मजदूर जो है फैक्ट्री के अंदर तैनात कर दिए, एक मजदूर के पीछे एक मजदूर खड़ा कर दिया तो उसको निकालने की पूरी योजना थी 250 मजदूरों को भर्ती करके और कुछ अराजक तत्वों को भी उसने भर्ती कर लिया था। अगर यूनियन कुछ टूल डाउन करेगी तो मैं इनसे झगड़ा करवा के और भी वर्करों को मजदूरों को बड़े पैमाने पर निकाल दूंगा, बड़े पैमाने पर छटनी करने की योजना बनाई। बेलसोनिका मैनेजमेंट इतनी नीची हरकत करती है, खाने में कीड़े कॉकरोच वगैरह वगैरह बिच्छी कातर ये डाल देते हैं और बंदों को गालियां तक सुनने मिलती हैं। सुपरवाइजर मैनेजर बदतमीजी से बात करता है, गाली दे के बात करता है और छुट्टियां पास नहीं करता। हर तरीके से परेशान किया जाता है, गुंडे बाउंसरों के द्वारा धमकाया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया जाता है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, हम अपने हक और अधिकार के लिए मांग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को हमेशा हर जगह से दबाया जाता है। 3 ठेका वर्करों को जिन्होंने यूनियन की सदस्यता भी ली हुई थी और जिनके ऊपर जो है मैनेजमेंट ने फर्जी डॉक्यूमेंट का भी चार्ज लगाया हुआ था, उन वर्करों की इंक्वायरी वगैरह सब कुछ पूरी हो चुकी थी और वो वर्कर के विरुद्ध थी, उन वर्करों को कल निकाल दिया गया। तो ये सारे मुद्दे जो है कंपनी जो है किस तरीके से गैरकानूनी काम कर रही है और वर्करों के काम को गैर कानूनी बता रही है और अपने काम को एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। हमारे परमानेंट मजदूरों को निकाल कर और ठेके पे मजदूर रखना चाह रही है, नीम ट्रेनिंग पे मजदूर रखना चाह रही है, कौशल विकास के नाम पे प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत मजदूर रखना चाह रही है। तो इसके विरोध के स्वरूप आज अपने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बुलाई।